हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आ चुके हो और एक नया धमाकेदार लोचर वाला गेम प्ले के साथ। आज वाला गेम प्ले में आप लोग को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए गाइस देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। आज का मैच का शुरुआत हो जाता है पोचिंग की, तो जल्दी से लूट करते हैं। सामने बंदा कूदा है तो उसको मारते हैं। एक बंदा सामने से क्लोजिंग कर रहा है, हल्का डैमेज सामने ही है। एक मॉली कर देते हैं, पक्का मॉली से जल गया होगा। मॉली से जल गया था इसीलिए इजीली इसको मार देते, लेकिन सामने अभी इसका पूरा स्क्वाड है। तो चलिए गाइस सामने चलते पहले। लेकिन सामने हम लोग ओपनली जा नहीं सकते, तो थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। सामने दोनों घर में बंदा बैठा है, तो इसीलिए रस नहीं कर पा रहे। देन फाइनली सिस्टर स्मोक करके रस ही कर देते, क्योंकि वो लोग तो पीक देने वाला नहीं है। तो चलो गाइस रस कर देते हैं। इसी घर में है, इसको फिनिश करते हैं। लेकिन सामने वाले घर में और एक है, उसको मेरे टीममेट्स ने मार देते हैं। चलिए गाइस इधर का साइड तो क्लियर हो जाते हैं, अब जल्दी से आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बैल्कोनी वाला घर में भी बंदा है। मेरा एक टीममेट्स नॉक कर देता है सामने वाले बंदे को। तो चलो गाइस अब घुस जाते हैं पूरा। बगल में भी एक स्क्वाड है, तो थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। हल्का डैमेज, बंदा लेफ्ट से आ रहा है, इसको मेरे टीममेट्स ने मार देता है। चलिए गाइस अंदर चलते, क्योंकि अंदर अभी भी एक स्क्वाड है। सामने वाले घर से मेरे टीममेट्स को नॉक कर देते हैं, चलिए उसको भी देखना पड़ेगा। कोई क्लोजिंग कर चुका है, इसको फिनिश करते हैं। लेकिन मेरे पास यूएमपी का गोली नहीं होता है, ऊपर से हीलिंग भी नहीं है, तो थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। सामने भी कोई है, देन टीममेट से हम थोड़ा गोली भी ले लेते हैं और हीलिंग भी ले लेते हैं। सामने से एक बॉट जा रहा है, सामने वाला एनिमी के सामने से हम किल चोरी कर लेते हैं उसका। अब देखो गाइस ऊपर वाले को हम कैसे मारते हैं। सुनो ऊपर देखना पड़ेगा, मेरे को पता है ये लोग सीढ़ी पे बैठा होगा, तो ये डायरेक्ट हम जा नहीं सकते। अब हम ट्रिक यूज करके जाएंगे, देखो गाइस कैसे जाते हैं। सेफ्टी के लिए पहले हम एक स्मोक कर देते हैं। गाइस इन लोग को पता भी नहीं चलेगा कब हम इसको मार के चला जाएंगे। एक नॉक, दूसरा नॉक,
लेकिन तीसरा वाला मेरे को नॉक फिनिश कर देता है। कोई बात नहीं गाइस, मेरा टीममेट सबको मार के मेरा किल दे देगा। अब फिर से वापस आएंगे पोचिंग की, मैं पोचिंग की क्लियर करके इधर से निकलेंगे। देखिए गाइस क्या होता है, अब रिकॉल होके वापस आते हैं तो मेरे को सामने से फूड आ रहा था। अब देखो गाइस, अच्छा खासा डैमेज होता है तो हम तुरंत रश भी कर देते। मेरे को पता है वो कहाँ पे है। इसको भी इजीली मार देते हैं, लेकिन इसका टीममेट्स भी हैं। देखो उसका टीममेट्स आ रहे हैं। लेफ्ट से आ रहे हैं बीच में। चलो गाइस टीममेट्स को भी खत्म कर देते। खत्म करके ये वाला घर में आते तो सामने घर में कैंप कर रहे हैं दो बंदा। अब देखो गाइस मॉली से कैसे जलता है ये लोग। दोनों घर में भी है। एक नॉक करके हम तुरंत रश भी कर देते हैं। आइए गाइस क्या ही मारे, मजा आ गया। अब चलो गाइस पोचिंग की पूरा क्लियर हो जाते हैं, देन चला जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट। स्कूल अपार्टमेंट में आते ही पता चलता है कि इधर दो स्क्वाड है तो देख के खेलना पड़ेगा। लेकिन सामने वाले घर में एक बंदा है, ये बेचारा मॉली कर रहा था, मॉली करते रह गया क्योंकि कुछ कर नहीं पाया। ऊपर अभी भी बंदा बैठा है लेकिन सामने मॉली है, जा नहीं पा रहे। चलो गाइस अब चलते, मॉली खत्म हो गया। नीचे लेफ्ट वाले घर में है। चलो गाइस इसको भी इजीली फिनिश कर देते हैं, लेकिन अभी भी एक बंदा बचा है। लेकिन ये दूसरा स्क्वाड का है, इसको मैंने टीममेट्स ने मार देते हैं। चलिए गाइस अब जोन में चलते हैं क्योंकि स्कूल अपार्टमेंट क्लियर हो चुका है। जोन में आने के बाद सामने ही जा रहे थे लेकिन स्क्वाड हाउस में पूरा स्क्वाड कैंप कर रहा है ऊपर। देखो गाइस इन लोगों को डायरेक्ट तो रश नहीं कर सकते, इसीलिए हम लेफ्ट वाले घर में आते हैं। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि इधर एक स्क्वाड नहीं दो स्क्वाड है। देखो गाइस क्या होता है, मेरे टीममेट्स ने एक को नॉक करते तो तूना हम रश भी कर देते हैं। ग्लू पूरा स्प्रेड किया हुआ है। गाइस इधर आके पता चलता है कि और एक स्क्वाड नीचे रिच के पीछे है। देखो गाइस सामने एक बंदा है, इसको नॉक फिनिश करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे मेरा टीममेट्स नॉक हो जाते हैं तो इसके लिए एक स्मोक करना पड़ेगा। लेकिन बंदा लोग रश कर रहे हैं, एक नॉक। एक ग्रेनेड कर देते क्योंकि पक्का उधर कोई रिवाइव दे रहा होगा उसको। रिवाइव हो भी जाता है। स्मोक मत करो, अरे नहीं नहीं स्मोक करो। पीछे फॉल बैक कर लेते हो। अब देखिए गाइस प्रेडिक्शन वाला ग्रेनेड देखिए, मेरे को लग रहा था इस घर में बंदा है और बूम फूट गया। लेकिन और एक बंदा आ रहा है, क्लोज इन कर रहा है, इसको मेरा टीममेट्स ने मार देता है। लेकिन सामने वाले घर में अभी भी दो बंदा है तो एक ग्रेनेड करते हैं। आगे फूट जाता है लेकिन कोई बात नहीं। इससे भी कुछ नहीं होता है तो एक काम करते हैं, लेफ्ट से घुस ही जाते, घुस के मारना पड़ेगा। पहले नॉक वाले को फिनिश करते हैं। बंदा सीढ़ी पे ही टीपी भी ले रहा है।
चलो गाइस इधर खत्म हो जाता है पूरा, अब जल्दी से हील करते हैं क्योंकि सामने और एक स्क्वाड है, उसको भी देखना पड़ेगा। पूरा स्क्वाड रीच के पीछे है, बहुत दूर है। अच्छे से दिख भी नहीं रहे बंदा कहाँ पे है। ओ भाई साहब क्या ही स्प्रे था उसका, एक्चुअली स्प्रे नहीं था, वो स्नाइप कर रहा है यार। लेकिन पीछे से कोई मार दिया मेरे टीममेट्स को, लेकिन इधर ग्लीच हो जाते। देखिए गाइस ऐसे स्कोप ओपन रह गया पूरा, बंदा नहीं दिख रहा है। एक काम करते टीममेट्स के ऊपर एक स्मोक कर देते कि इजीली वो रिवाइव हो जाए, देन पीछे चल के देखते बंदा कहाँ पे, जहाँ से नॉक किया था। पीछे वाले बंदे को देखने के लिए आगे ही जा रहे थे लेकिन सामने वाला स्क्वाड रश कर देता है। देखिए गाइस ये लोग गाड़ी लेके आ जाता है। स्नाइपर वाले बंदे को तो नॉक फिनिश कर देते लेकिन दूसरा वाला बंदा पता नहीं कहां से मेरे को मार देता है, और हम कवर भी चले जाते उसके बाद भी मेरे को पड़ जाते। आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, मेरा एक टीममेट्स भी फिनिश हो जाता है, तो लास्ट टीममेट्स बचता है। क्या लगता है गाइस हम बच पाएंगे कि नहीं? रिवाइव तो दे रहा है लेकिन उसी टाइम पे बंदा लोग रश भी कर देता है। बचने का चांस तो बहुत ज्यादा कम है, पता नहीं क्या होगा। और फिनिश भी हो गया, अब क्या कर सकते हैं गाइस, कोई बात नहीं। 16 किल के साथ इधर ही फिनिश हो जाते हैं। अगर हम देख के खेलते तो थोड़ा सा चिकन डिनर भी हो सकता था, अब क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस इसी के साथ ही आज का गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।